अगर बाबू देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी जैसे विभूतियों ने उस कालखंड में इन शिक्षण केंद्रों की स्थापना नहीं की होती, क्या होता? जगह जगह जो विद्यालय बने, शिक्षा के केंद्र बने, ये केंद्र समाज के कंट्रीब्यूशन से लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी दे करके, अपनी संपत्ति लगा करके, अपने पूर्वजों की कीर्ति को बनाए रखने के लिए, समाज का मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी समाज और राष्ट्र के लिए कुछ योगदान दे पाएगी, इसके लिए उनके द्वारा एक प्रयास प्रारंभ हुआ। आज उसका परिणाम है कि निजी क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन के सहयोग से ही आज जब हम शिक्षा की व्यवस्था को देखते हैं, एक बहुत बड़ा योगदान है जिसके कारण आज शिक्षा की व्यवस्था में हम लोग कहीं टिक पाते हैं। याद रखना, जब भी समाज आगे होता है और सरकार पीछे होती है तो समाज प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित करता है। जब सरकार आगे होती है और समाज पीछे होता है तो समाज स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए समाज आगे था तो यह देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुआ। जब हमने समाज को पीछे कर दिया, परिणाम क्या था? यह देश पिछड़ता गया। आज एक शुभ लक्षण अभी दिखाई देते हैं, समाज जागरूक हो चुका है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो चुका है, उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिलेंगे और उसी भाव के साथ आज सरकार कार्य कर रही है। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।